नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं PCOD। PCOD क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम, इसे PCOC भी कहा जाता है, सूजन की बीमारी। दूसरे नाम है बच्चेदानी की सूजन, बच्चेदानी में गांठ की बीमारी, मासिक धर्म। PCOD एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो 18 से 45 ईयर्स की महिलाओं में होता है। ये इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल ओवरी का काम अंडे बनाना, जिसे आगे जाकर अंडे से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिससे बच्चे का बनना होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है कि ओवरी में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिसकी वजह से अंडा प्रॉपर मात्रा में नहीं बनता, जिससे महिलाओं में कई परेशानियाँ हो सकती है। इसका एक्सरे भी चेक किया जाता है, जिसमें नॉर्मल ओवरी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी में बहुत छोटी छोटी गांठें होती है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे PCOD के कितने लक्षण हो जाते हैं, PCOD के 13 लक्षण बताए गए हैं कम उम्र की लड़कियों में। तो सबसे पहले पीरियड समय पर ना आना, पीरियड में खून कम या ज़्यादा आना, पिंपल्स, मुहासे, तेलीय चेहरा, शरीर पर अनछाए बाल, अचानक वजन बढ़ना, सर के बालों का झड़ना, ओवरी में गांठ। अब मैरिड वुमेन्स, जो विवाहित महिलाएं हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है? सेक्स का मन ना करना, सेक्स के दौरान दर्द, गर्भवती होने में कठिनाई, डायबिटीज़, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, बेवजह चिड़चिड़ापन, गुस्सा। PCOC के 7 कारण बताए गए हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे मैंने जो बताया LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये आपकी हार्मोन्स होते हैं महिलाओं में। अब बात करते हैं PCOD के कारण, तो इसमें मोटापा, इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है, परिवार के इतिहास, जेनेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़, कैंसर। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं? फिजिकली एग्जामिनेशन में जैसे जॉइंट सर्जन भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, हार्मोन ब्लड टेस्ट जैसे LH, FSH और प्रोलैक्टिन, ये महिलाओं में हार्मोन पाए जाते हैं, इनका टेस्ट किया जाता है, जैसे एस्ट्राडियोल, AMH, टेस्टोस्टेरोन, जैसे ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है, कभी कभी महिलाओं में भी ज़्यादा मात्रा में बनता है। TSH, थायराइड हार्मोन भी महिलाओं में की वजह से इनबैलेंस होने की वजह से भी ओवरी की प्रॉब्लम हो सकती है या PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ टेस्ट, GTT, HbA1c, इंसुलिन, फिर TB या कैंसर टेस्ट भी करवाए जाते हैं, बायोप्सी, TBPCR या मेंटोक्स इमेजिंग, MRI और CT स्कैन, ये टेस्ट भी करवाए जाते हैं या जांच करवाई जाती है। अब PCOD की प्रॉब्लम है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, गुनगुना पानी, ये चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे फाइबर में मेवे, दालें, अनाज, सब्जियों में गाजर, टमाटर, मटर, सलाद, मशरूम, मिर्च, प्याज, फूलगोभी, अजवाइन और पालक, इनका प्रयोग करना चाहिए। फल फ्रूट्स में जैसे नींबू, संतरे, खट्टे फल, केला व अनार, ज़्यादातर मतलब विटामिन सी वाली फ्रूट्स का प्रयोग करना चाहिए। और दाल में जैसे चना दाल, पीला मूंग, हरी मूंग, फलिया। डेयरी उत्पाद में सोया दूध, स्कीम या टोन मिल्क, पनीर, दही। फिर नट्स में बात करते हैं दोस्तों, तो अखरोट और बादाम का जरूर यूज करना चाहिए, और ल्यूकवर्म वाटर पीना है उनको, जिनको PCOD प्रॉब्लम है, ठंडा पानी फ्रीज का नहीं पीना है, क्योंकि उनकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी की वात पित्त और कफ की वजह से भी इम्बैलेंस हो जा सकता है। तो हर्बल डोमेस्टिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, जैसे घर में हल्दी, अदरक, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स और सिनेमन मींस दालचीनी, अश्वगंधा, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा भी बहुत फ़ायदा करता है इसमें हार्मोन इम्बैलेंस होने पर PCOD को ठीक करने में। फिर क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे ऑयली फूड या हाई फैट डाइट, अधिक कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, अधिक कॉफ़ी, अधिक मीठा, अधिक सॉफ्ट ड्रिंक्स, अधिक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर PCOC का इलाज नहीं किया गया तो क्या होगा? PCOD का ट्रीटमेंट समय रहते नहीं किया गया या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं की गई थी, इससे इनफर्टिलिटी, बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है,
गर्भपात या समय से पहले जन्म हो सकता है बच्चे का, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव हो सकता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है प्रेग्नेंट लेडी में, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंजाइटी चिंता एंड एंडोमेट्रियल कैंसर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपको PCOD के बारे में बताया गया, आपको कुछ भी पूछना हो तो मेरे वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे एक अच्छा टॉपिक लेकर। थैंक यू दोस्तों।